अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जी, वेलकम हो गया आपका नीलम फयाज़ ब्लॉग में। और जी, आज है सुबह सुबह का टाइम और फयाज़ को मैं उठा रही थी, वो उठ नहीं रहे थे, तो खैर उठ ही गए। तो जाना था जॉब पे उनको, और बच्चों ने जाना था स्कूल, नया वो उठ चुकी थी। और बाकी दो मेरी छोटी बेटियाँ वो सो रही हैं अभी तक। और फयाज कह रहे थे क्या कर रही हो, मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ मैं आपकी। तो जी, अभी आते हैं बाबा की तरफ, ये देखें बाबा भी सो रही थी, क्योंकि बाबा ने तो स्कूल जाना नहीं होता, तो इसलिए सुकून की नींद सो रही है प्यारी सी बाबा मेरी। तो जी, अब जो है चलते हैं नाश्ता बनाने की तरफ। और चाय जो है वो बन रही है, और जो है बच्चों को आज मैंने खिलाना है ब्रेड, क्योंकि पराठा वगैरह बिल्कुल भी नहीं गले, बहुत ही ख़राब हो रहे हैं बच्चों के और फयाज़ का भी। तो जी, पानी जो है मैंने गर्म कर दिया था फयाज़ के फ्रेश होने के लिए, तो गर्म पानी से फिलहाल नहा रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ गई, ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ठंडा मौसम हो गया है बहुत, और नया आ चुकी है नाश्ता करने के लिए। और ये फ्लावर भी लेके आई थी, नीचे गई थी जब, तो फ्लावर लेके आई थी नीचे से, कहीं से लेके आई होगी। तो जी, हमें दिखा रही थी कि मैं फ्लावर लेके आ गई हूँ मम्मा। तो जी, अब जो है वो आपको ये फ्लावर दे रही है कि ये आप ले लें, रख लें, कह रही हैं। तो अब ये लगाने लगी थी बालों में, मुझे कहती मम्मा मेरे बालों में लगाएं, तो मैंने कहा मैं तो काम करी, आप खुद ही लगा लें बालों में। तो ये आप देख सकते हैं कि वो लगा रही है बालों में, और पीछे जो है फयाज आ गए हैं पानी भर के पीने वाला, क्योंकि हम यहाँ का पानी नहीं पीते, हमें बाहर से साफ पानी फयाज भर के ला के देते हैं। मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन नहीं फिर भी भर के ला के देते। गैस पानी भरने के लिए गया था, सुबह सुबह होता हूँ और ये मैंने देखा जी पानी पीने का नहीं है, तो इस फिल्टर का पानी लोग लेके आते हैं ना, तो ये देखें ये ड्रेसिंग थी, इस ड्रेसिंग में भी पानी लेके आया हूँ। तो जी, यहाँ जो है मैंने जो है ब्रेड जो है पैकेट में से निकाल के रख दी थी बाहर, और बाबा भी उठ चुकी है, बाबा जान ही उठ चुकी है और हाय कर रही है आप सबको। तो जी, अब मैंने ब्रेड को जो है वो कर लेना है एक के साथ फ्राई, तो उसके बाद जो है बच्चों को देते हैं नाश्ता। और नायाब जो है यहाँ जा चुकी थी स्कूल खैरियत से, और प्याज जो है वो फ्रेश होके आ गए हैं, बाल बाल सोई। और ये निर्मल काजी आपके लिए न्यू नाश्ता बनता है, बिल्कुल समझ गए, ब्रेड वगैरह इसका हां, ब्रेड इनको पसंद है, और खांसी की वजह से अभी पराठे बंद है फिलहाल हमारे। और मुझे पसंद है ये बनाती है, तो जी ये भी बनाते हैं। हां, आप भी खाना चाह रहे हैं तो आ जाएं, मोस्ट वेलकम। पापा भी खाना चलाएगा, पापा खाना चलाएगा। तो जी, यहाँ जो है नाश्ता रेडी हो चुका है फयाज को मैं देने के लिए जा रही हूँ नाश्ता, तो फयाज कर लेते हैं नाश्ता। करने लगी हूँ नाश्ता, तो ये आप देख सकते हैं, और ये चाय मेरी। और यहाँ जो है बाबा मेरे पास आ गई थी, माशाल्लाह कितना प्यारा मुस्कुरा रही है बाबा, और मैंने जो नाश्ता कर लिया था, पेट फुल कर लिया था। तो जी व्यूवर्स, आज जो है फयाज जो है बहुत उदास थे, और मैं भी रात से जब कल से जो ये खबर सुनी है हमने, तो बहुत ही अफसोस हुआ है हमें भी कि हमारा जो इतना अच्छा लीडर है, ईमानदार, और उसके साथ ही ये क्यों हुआ। बहुत ही दुख हो रहा था मुझे भी, और फयाज भी सेट थे कल से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो इंसान ईमानदार और सही होता है उसके साथ जो है अवाम ऐसा करती है, ये गलत है बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम गाइस, एक तो तबीयत अपने क्या बात है, मौसम चेंज हो गया ना, खांसी नहीं छोड़ रही, और खांसी नहीं छोड़ रही, बहुत दिन हो गए, बहुत परेशान हो रहे इस चीज़ के लिए। और दूसरी बात है कि देखें जी, लीडर कोई भी है, हमें तो लीडर वो अच्छा लगेगा कि जो किसी गरीब के लिए कुछ करे, और इमरान खान उनमें से एक था जो गरीबों के लिए बहुत कुछ करने का सोचा। सबसे बड़ी बात यह कि इंसानियत, समझ गए, अच्छा या बुरा लीडर कोई भी, उसका फैसला अल्लाह करने वाला है, ठीक है ना जी। तो हमें इंसानियत तौर पर दुख हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत दुख लगा इस बात के ऊपर। तो ये कि कोई भी है मुसलमान, देखें बात सुनो, चाहते हैं हर चीज़ अपनी जगह चलती है, लेकिन एक इंसान तो है ना, एक अच्छा इंसान है, बेसिकली इतना सोच रहा था। है तो किसी के साथ भी गलत, देखें बेनजीर की दफ़ा भी यही हुआ था, तो कोई भी है, बहरहाल हम चाहते हैं कि देखो अपनी मौत वो मरते हैं वो अलहदा बात है, लेकिन ऐसे किसी हमारा हक नहीं है कि हम किसी के फैसले करें या किसी की जिंदगी लें।
तो जी अब करते हैं ब्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।